नमस्कार मित्रों, स्वागत है आप सभी का आज के हमारे इस वीडियो में। आज हम चर्चा करने वाले हैं दोस्तों दैनिक जागरण प्रकाशित एक जलवायु परिवर्तन संकट में खेती पर चर्चा करने वाले हैं। तारीख है 16 अगस्त 2022। चलिए शुरू करते हैं आज के इस एक भी विवेचना को, देखते हैं इसके एक्सप्लेनेशन तो इससे जुड़े कुछ आंकड़ों को भी। तो चलिए शुरू करते हैं। ग्रीन हाउस गैसों कार्बन डाइऑक्साइड ऑक्साइड नाइट्रस ऑक्साइड मीथेन क्लोरोफ्लोरो कार्बन ओजोन आदि के बेतहाशा उत्सर्जन कारण हो रहे जलवायु परिवर्तन से केवल फसलों का उत्पादन ही प्रभावित नहीं हो रहा है। यहाँ तक पढ़ा तो दोस्तों हमने क्या देखा, सबसे पहले देखा ग्रीन हाउस गैसेस, उसमें आती है कार्बन डाइऑक्साइड आती है, नाइट्रस ऑक्साइड आती है, मीथेन आती है, क्लोरोफ्लोरोकार्बन आती है, ओजोन तो आदि गैसे इसमें शामिल है। पर ये जो गैसे हैं जिसका हमने नाम नाम लिया है इसकी प्रमुख गैसे हैं और इनका उत्सर्जन जो बेतहाशा हो रहा है उसके कारण आप देख ही रहे हैं। अब तो लोगों को अब तो देखने भी लगे हैं जलवायु परिवर्तन, तो देख सकते हैं उसी जलवायु परिवर्तन का आगे चलकर जब ये और बढ़ेगी तब ये और इनका जब इनका उत्सर्जन और ज्यादा होने वाला है या फिर इनके प्रभाव ज्यादा देखने वाले हैं तब फसलों पर क्या प्रभाव होगा या फिर कैसे अभी प्रभाव पड़ रहा है और आगे और बदल और इसमें क्या बदलाव आएंगे आपको बताइएगा। इस दोस्तों ग्रीन हाउस गैसेस क्या होती है? ग्रीन हाउस गैसेस वो होती है जनरली जो इस पृथ्वी का तापमान बढ़ाने में सहयोग कर रही है, यानी कि जो सोलर से जो हमारे रेडिएशन आ रही है सोलर रेडिएशन उनको यहीं पर ट्रैप करके इस पृथ्वी का तापमान बढ़ाने में ये मदद कर रही है। इस प्रकार से बढ़ते हैं आगे और जानते हैं इस लेक के बारे में, इसमें क्या कहा गया है और पढ़ते हैं इसके बल्कि उनकी गुणवत्ता पर भी नकारात्मक प्रभाव पड़ रहा है, यानी कि जो फसलें हैं उनका उत्पादन तो प्रभाव प्रभावित हो ही रहा है बल्कि उनकी जो गुणवत्ता है उन पर भी नकारात्मक प्रभाव पड़ रहा है। अगर धरती का तापमान 1.5 डिग्री तक बढ़ता है यानी 1.5 डिग्री तक बढ़ता है तो फसलों की पैदावार पर गंभीर प्रभाव पड़ेगा। दोस्तों ये 1.5 डिग्री तक बढ़ने की बात कर रहा है जबकि अभी पाया गया है कि हमारे 4 दशक हैं उनमें 0.5 डिग्री यानी कि 0.05 डिग्री बढ़ा है। उसमें भी हम देख सकते हैं कि हमें बहुत सारी प्रॉब्लम आने लगी है, तो गर्मी बढ़ गई है, कहीं पर धूप तूफान आंधी वगैरह ज़्यादा आने लगी है। तो आप देख सकते हैं जब 0.5 बढ़ा है और उसके बाद भी हम बात कर रहे हैं कि जब 1.5 डिग्री तक बढ़ जाएगा तब इसके क्या पैदा फसलों की पैदावार पर गंभीर प्रभाव पड़ेगा। और इसी आगे बढ़ते हैं, कृषि की उत्पादकता बढ़ाने में उपजाऊ मृदा नमी अनुकूल वातावरण तापमान पर्याप्त वर्षा कीट पतंगों से बचाव आदि का महत्वपूर्ण योगदान होता है, यानी कि जो हमारी ये कृषि की उत्पादकता बढ़ाने में जो हमारी चीजें हैं तो मृदा उपजाऊ होनी जरूरी है, नमी होनी है, अनुकूल वातावरण होगा तभी हमारी फसलें सही से फल फूल पाएगी। तापमान सही होना चाहिए, ज्यादा तापमान होगा तो भी फसल का दाना वगैरह बीज सही से नहीं बन पाएगा, ज्यादा ठंडक होगी तो भी नहीं हो पाएगा, पर्याप्त वर्षा होनी चाहिए, वर्षा की कमी होगी तो भी सही से हमारे जो जो भी हमारे खेत में फसल है वो सही से नहीं ग्रो कर पाएगी। इसके अलावा जो कीट पतंगों से बचाव करना है उसके उसके तरीकों से इन सब में महत्वपूर्ण योगदान होता है। अगर ये जो में एक किसी भी एक चीज में अगर हमारी कमी आती है तो हो सकता है वो दूसरी चीज को भी प्रभावित करे। इनमें से किसी भी मानक परिवर्तन होने से फसलों की पैदावार प्रभावित होती है। आने वाले दिनों देश की आबादी बढ़ेगी जैसे देख ही रहे हैं और बहुत सारी रिपोर्टों में भी इसका दावा किया जा रहा है और इसका अनुमान लगाया जा रहा है कि देश की आबादी तो बढ़ेगी क्योंकि देश की आबादी ग्रो कर रही है। हर साल देखा जा रहा है कि जैसे कि आप देखते हो पूरी दुनिया की आबादी बढ़ रही है और हमारे देश की आबादी तो फिर भी सेकेंड पे चल रही है और हम तो अब चीन को पीछे निकालने वाले हैं। ऐसे में विभिन्न अनाजों की मांग बढ़ेगी तो जैसे कि आबादी बढ़ेगी तो उसके साथ खाने पीने वालों की भी बढ़ जाएंगे, तो खाने पीने वाले बढ़ेंगे तो अनाज की मांग भी बढ़ जाएगी। तो इस प्रकार से और अगर ऐसे इस और जैसे कि अभी हो रहा है अगर अनाज की पैदावार कम होगी और अगर मांग बढ़ेगी तो ये तो हमारे लिए समस्या बनने वाली है। जलवायु परिवर्तन इस राह में मुश्किलें पैदा करेगा, जोखिमों से निपटने के लिए कृषि नीति में सुधार करने पर ध्यान केंद्रित किया जाना चाहिए, यानी कि जिसके जोखिम आने वाले हैं भविष्य में उन पर अगर सुधार करना है तो हमें इस पर अभी से ध्यान केंद्रित करना होगा तभी हम खाद्यान्न असुरक्षा जैसे संकटों से निपट सकते हैं।
जलवायु परिवर्तन खाद्य सुरक्षा के सभी चार आयामों खाद्य उपलब्धता, खाद्य पहुंच, खाद्य उपयोग और खाद्य प्रणाली स्थिरता को प्रभावित करेगा। यानी कि जो खाद्य सुरक्षा है उसके चार आयाम क्या होते हैं दोस्तों, ये भी देख लीजिए। जलवायु परिवर्तन खाद्य सुरक्षा के सभी चार आयामों, चार आयाम जो है खाद्य सुरक्षा के, तो आप यहाँ पर देख सकते हैं कौन कौन से खाद्य सुरक्षा के चार आयाम है। यानी कि खाद्य सुरक्षा एक आयाम हो गया, उसके बाद खाद्य सुरक्षा के चार आयाम जो है उनमें है चार आयाम में खाद्य उपलब्धता एक आयाम हो गया, हमारी खाद्य उपलब्धता होगी, फिर खाद्य पहुंच होगा, फिर उस खाद्य का उपयोग होगा, खाद्य प्रणाली स्थिरता को प्रभावित करेगा। उस प्रकार से आप ये देखेंगे कि तो हमारे जलवायु परिवर्तन वही चीज चारों चीज तीनों चार चीजों को प्रभावित करेगा। खाद्य सुरक्षा क्या है? खाद्य सुरक्षा वो है कि सभी व्यक्ति तक हमारा जो खाद्य है वो पहुंचे, और जो हमारे पास सरकारी जो खाद्य जो भी व्यक्ति हैं अपने देश के नागरिक हैं उन कोई भी मतलब ऐसा ना हो पाए जिसके पास खाद्य की कमी से वो भूखा रह जाए। यही है कि हर व्यक्ति के लिए खाद्य सुरक्षा जरूरी है, उसी के लिए चार आयाम है। और अगर जलवायु परिवर्तन होगी तो हमारे अनाज में कमी आएगी, अनाज में कमी आएगी तो सारी चीजों में कमी आ जाएगी ना मेन। उसके अलावा आंकड़े बताते हैं कि इस सदी के अंत तक धरती का तापमान 3.7 से 4.8 डिग्री सेल्सियस तक बढ़ जाएगा। यानी कि देख सकते हैं आप 3.7 यानी कि 3.7 से 4.8 डिग्री सेल्सियस तक तापमान बढ़ जाएगा इस सदी के अंत तक। तो देख सकते हैं इसका कितना गंभीर प्रभाव होने वाला है हमारे धरती पर, जिसका सीधा असर खाद्यान्न उत्पादन पर होगा। यानी सीधा असर उसका कहाँ पर होने वाला है? हमारे खाद्यान्न उत्पादन पर होने वाला है। उदाहरण के लिए देख सकते हैं दोस्तों यहाँ पर जो कहा गया है, आज जहाँ गेहूं जो सरसों और आलू की खेती हो रही है, वहाँ तापमान बढ़ने से इन फसलों की खेती नहीं हो सकेगी। हाँ आप देख सकते हैं, क्योंकि अगर गेहूं जो सरसों और आलू खेती हो रही है तो अगर तापमान ज्यादा ही बढ़ जाएगा वहां पर तो फिर ये फसलें ग्रो नहीं कर पाएगी। मतलब जो इनके बीज, क्योंकि इनको ठंडे की आवश्यकता होती है, आपको पता ही है गेहूं जो सरसों, इसलिए जब अगर तापमान बढ़ जाएगा तो फिर इनको जो बीज है जो इनका पौधा है वो सही से ग्रो नहीं कर पाएगा, और जो हमारे खाद्यान्न है वो सही से अनाज हमारे सही से अनाज का उत्पादन नहीं हो पाएगा, तो उसी कारण फिर खाद्यान्न की कमी हो जाएगी। और जो हमारी खाद्यान्न खाद्य सुरक्षा है उसमें भी फिर हमको प्रॉब्लम आएगी। तो जो हमने जाना है दोस्तों, हमने जाना है कि ठंडक की फसल के बारे में। अगर आप इसी प्रकार तापमान बढ़ने से मक्का, धान या ज्वार आदि फसलों का भी क्षरण हो सकता है। अगर वो हमने गेहूं जो सरसों और आलू को जो हमने देखा वो ठंडे की फसलें थी, तो उनको तो असर इससे होगा ही होगा। उसके अलावा जो हमारे मक्का है, धान या ज्वार आदि फसलों का क्षरण हो सकता है, क्योंकि इनमें भी अधिक तापमान के कारण जो है दाना नहीं बनेगा और अथवा कम बनेगा। यहाँ पर भी कहीं ना कहीं तापमान का असर तो होगा ही होगा। इसके अलावा इससे इन फसलों की खेती करना भी असंभव हो जाएगा अगर तापमान ज्यादा ही हद से बढ़ने लग गया। तो दोस्तों हमने यहाँ पर देखा दोस्तों कि इसका जो ज्यादा असर हो सकता है वो हमारी रबी की फसलों पर ज्यादा होगा। उसके अलावा जो खरीफ खरीफ की फसलें हैं, असर तो उन पर भी होगा, क्योंकि गर्मी बढ़ने से वर्षा में फिर वर्षा के जो हमारा वर्षा के जो चक्र है उसमें फिर जो गड़बड़ी होगी और जो उसमें जो अनियमितता बनेगी उससे भी हमारे खरीफ की फसलों में प्रॉब्लम आएगी, और जो ठंड के दिन है यानी रबी की फसलें उन्होंने भी प्रॉब्लम आएगी। इसके अलावा तापमान वृद्धि से वर्षा में कमी होती है, जो आपको पता ही है दोस्तों, अगर तापमान बढ़ेगा तो हमें भी कमी आ जाएगी, जिससे मिट्टी में नमी की समाप्त तो हो जाती है। यानी कि अगर वर्षा में कमी होगी तो मिट्टी में नमी समाप्त तो होगी, बढ़ता तापमान मिट्टी में प्राकृतिक नाइट्रोजन की उपलब्धता को भी कम कर रहा है। यानी कि जो तापमान बढ़ रहा है वह प्राकृतिक नाइट्रोजन की उपलब्धता को भी कम कर रहा है। इसे बढ़ाने के लिए हम रासायनिक खादों का बेतहाशा इस्तेमाल कर रहे हैं, इससे मिट्टी की उर्वरता प्रभावित हो रही है। यानी कि जो हम रासायनिक खादों का उपयोग कर रहे हैं उससे भी दोस्तों बेतहाशा उर्वरता भी कम हो रही है, और उर्वरता भी कम हो रही है और मिट्टी का क्षरण, मिट्टी की जो गुणवत्ता है उसमें लगातार कमी आती जा रही है। जलवायु परिवर्तन जोखिम सूचकांक में जलवायु परिवर्तन जोखिम सूचकांक जारी होता है दोस्तों, हम शीर्ष 20 देशों में शामिल है। यानी कि जो 20 देश है जिनका जोखिम सबसे ज्यादा है, हम उन 20 देशों में शामिल है। पिछले 4 दशकों में हमारी धरती का तापमान 0.5 यानी कि 0.5 डिग्री सेल्सियस बढ़ा है, जिसके कारण बाढ़, सूखे और तूफान जैसी कुदरती आपदाएं भी बढ़ी है। आप देख सकते हैं अगर 0.5 बढ़ने पर इतनी चीजें बढ़ गई है तो जब ये यहाँ
यहाँ पर दे रखा है 3.7 या 4.8 डिग्री सेल्सियस बढ़ जाएगा, तो कितना कितनी हमारे के लिए दशाएं भयावह हो जाएगी, कृषि के लिए और इंसान मात्र के रहने के लिए भी। क्योंकि तो अपने देश में ज्यादातर किसानों के पास छोटा रकबा है, इसलिए इन आपदाओं के कारण उनकी आमदनी बुरी तरह गिर रही है। हमारे देश की जनसंख्या तो बहुत बड़ी है, पर जगह हमारे पास किसानों के पास बहुत छोटी है। तो हमारे देश की जनसंख्या अधिकतर कृषि क्षेत्र में लगी हुई है, और जो जो हमारे पास खेती करने योग्य जमीन है, जो रकबा है, वो बहुत ही कमी है। तो आप देख सकते हैं बहुत ही अधिकतर जो लोग हैं वो बहुत कम क्षेत्र में खेती करने में लगे हैं, जिस कारण उत्पादन उनके पास उतना नहीं हो पा रहा जितना कि हमारे देश में लोग श्रमिक कार्य कर रहे हैं इस क्षेत्र में। कुल मिलाकर कहा जा सकता है कि बढ़ते तापमान का संकट भारत पर गहराता जा रहा है, यानी और जिस प्रकार ये तापमान बढ़ता जा रहा है, जो लोग इसमें लगे हुए हैं, तो अधिकतर जनसंख्या इसमें लगी हुई है, अब उसके ऊपर भी ये संकट घिर रहा है, और ये उसके ऊपर ही नहीं पूरे भारत के ऊपर संकट घिर रहा है, क्योंकि भारत एक कृषि प्रधान देश भी है, और हमारा जो अधिक खाद्यान्न सुरक्षा है, जो खाद्य सुरक्षा है हमारी, वो हमारा भारत किसान ही पूरी करते हैं। तो अगर उनकी जो उत्पादन है उनमें कमी आ जाएगी, तो फिर खाद्य सुरक्षा में तो हमको समस्याएं झेलनी ही पड़ेगी। इससे ये ऐसे उपाय आवश्यक है जिसके द्वारा हमारे कृषक जलवायु परिवर्तन के कारण उत्पन्न कठिनाइयों का सामना करते हुए फसलों का उत्पादन कर सकें एवं उन्हें समुचित लाभ भी हो सके। इस प्रकार देखो दोस्तों, हमने ये देखा कि इस प्रकार से इस लेख में हमारी कृषि के लिए जो तापमान वाली समस्या है, तापमान बढ़ रहा है पृथ्वी का लगातार, उसके ऊपर जो बात की गई है, तो जाना आज के लिए ये टॉपिक यहीं पर खत्म होता है। अब मिलते हैं किसी अगले टॉपिक पर, तब तक के लिए धन्यवाद।